नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आजाद नगर थाना अंतर्गत वारिस कॉलोनी में एक युवती ने घर पर फंदे से लटक कर की खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी। पानी की आपूर्ति बाधित होने से स्थानीय लोगों ने जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। न्यू सीताराम डेरा क्षेत्र के सार्वजनिक मैदान पर भवन निर्माण के लिए गड्ढे खोदे जाने से स्थानियों ने विरोध करते हुए कहा, मैदान नहीं तो वोट नहीं देंगे। खबरें विस्तार से। आजाद नगर थाना अंतर्गत वारिस कॉलोनी रोड नंबर 2 में एक युवती ने अपने घर में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली, पुलिस जांच में जुटी है। मामले के संबंध में मृतिका के पिता मोहम्मद अब्बास अंसारी ने बताया कि उनकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी नाजिया परवीन की शादी गोलमुरी में हुई है। दूसरी बेटी साजिया परवीन ने 3 साल पहले कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मंगलवार को छोटी बेटी फौजिया परवीन ने घर में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है फौजिया परवीन की शादी होने वाली थी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम अजान हुआ ना, नमाज पढ़ने उठा था, है ना, नमाज फजर में उठा था। हाँ हाँ, इधर देख के बोलिए। ये रूम से निकला वो रूम में देखे खिड़की। हाँ हमको देख के बोलिए। हाँ हाँ, उसके बाद में इधर देख के बोलिए। लटका हुआ है। लटका हुआ तो पूरा भरा हुआ है, भरा हुआ है, तो फिर हल्ला गुल्ला के सब इकट्ठा हो गया। कारण कुछ पता चल रहा था? वो था हमको नहीं कुछ कारण पता नहीं। कहीं रिश्ता भी लगाया था जैसे आप कह रहे हैं? हाँ रिश्ता तो लगा हुआ था। कहाँ का लड़का है? लड़का उधर पहले दर्दगिरी में रहता था, अभी रानी उधर मैंने कहाँ रहता है। क्या नाम है लड़का का? आसिम नाम है। कहाँ है लड़का अभी? दुबई में। अच्छा, बाहर में है लड़का। हाँ हाँ, कारण कुछ पता नहीं चल पा रहा ना। इधर जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को इन दिनों पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थिति दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। वहीं पानी की आपूर्ति बाधित होने से स्थानीय लोगों ने जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष प्रदर्शन करते हुए समस्या के समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। विगत 2 महीने से जमशेदपुर के जुगसलाई सफीगंज मोहल्ले में पानी सप्लाई नहीं होने पर कई बार स्थानीय लोगों ने जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष प्रदर्शन किया, जहां आनंद फानंद में पेयजल विभाग द्वारा समस्या के समाधान के तौर पर आरपी पटेल स्कूल रोड स्थित पाइपलाइन में बल्ब लगाकर शफीगंज मोहल्ले में जलापूर्ति की जा रही है, जिससे शफीगंज मोहल्ले के लोगों की परेशानी कुछ हद तक दूर हुई, पर आरपी पटेल स्कूल रोड के लोगों की समस्याएं बढ़ गई। स्थिति इतनी विकराल हो गई कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में आरपी पटेल स्कूल रोड छपरिया मोहल्ला के लोगों ने जुगसलाई नगर परिषद का घेराव करते हुए जुगसलाई नगर परिषद के जल विभाग और बिजली विभाग पर निशाना साधा। जानकारी देते हुए स्थानीय प्रवीण कुमार ने बताया कि सफीगंज मोहल्ले की परेशानी को विभाग द्वारा दूर नहीं किया गया और आरपी पटेल स्कूल रोड के लोगों की समस्या बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि सफीगंज मोहल्ले की समस्या को अलग तरीके से दूर करना था, जबकि आरपी पटेल स्कूल रोड के पाइपलाइन को काटकर पानी को सफीगंज मोहल्ले की तरफ मोड़ दिया गया। और तो और थोड़ा बहुत पानी बिजली रहने पर आती थी, अब ठीक पानी के समय बिजली गुल कर दी जाती है, जो कि साफ तौर पर विभाग की नाकामी को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पानी की समस्या जल्द से जल्द दूर नहीं हुई तो उग्र आंदोलन के लिए वे सभी बाध्य होंगे। विभाग के द्वारा अनेकों जगह गड्ढे कोड़कर मतलब लीपा पोती किया गया, अब तक जांच में पता नहीं चल पाया कि क्या गलती है, किसकी वजह से जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आनंद फानंद में विभाग अपने आप को बचाते हुए छपरिया मोहल्ला काली मंदिर के पास जो लगभग 400 घरों को डाउन पांडे मोहल्ला की ओर पानी आपूर्ति होती है, वहाँ एक बल्ब लगा दिया गया। ना तो सफीगंज मोहल्ला में जल आपूर्ति हो रही है, ना ही पांडे मोहल्ला के 400 घरों में। उसके बाद ऊपर की ओर छपरिया मोहल्ला के लगभग 600 घर प्रभावित है, जल आपूर्ति नहीं हो रही है। राशन जो जल आपूर्ति थोड़ी बहुत होती थी, विभाग के द्वारा उचित ना करते हुए, हम लोगों के साथ अनुचित करते हुए बिजली आपूर्ति 5:30 बजे सुबह, 5:30 बजे शाम को भी विद्युत आपूर्ति को काट दिया जा रहा है। वही जमशेदपुर के न्यू सीताराम डेरा क्षेत्र के सार्वजनिक मैदान पर भवन निर्माण के लिए गड्ढे खोदे जाने से स्थानीय वासियों ने विरोध करते हुए कहा, मैदान नहीं तो वोट नहीं करेंगे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वर्षों पूर्व महुलबेड़ा के स्थान पर इन्हें न्यू सीताराम डेरा में बसाया गया, जहां अधिकतर ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं और वर्तमान में सैकड़ों विभिन्न समुदाय के लोग वास करते हैं। इस पूरे क्षेत्र के लिए एकमात्र इसी मैदान पर बच्चे खेलते हैं, साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन भी होता है।
लेकिन पिछले दिनों बिना स्थानीय वासियों की जानकारी के राज्य के एक मंत्री का शिलापट लगाकर मैदान में गड्ढे खोदे जा रहे हैं। जानकारी लेने पर संवेदक ने कहा कि यहां भवन बनाया जाएगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि किसके द्वारा बनाया जा रहा है। स्थानीय वासियों का कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व भी मैदान के समीप भवन बनाया गया, लेकिन अब वह खंडर का रूप ले चुका है। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि अगर खोदे गए गड्ढे को समतल नहीं किया गया तो वे लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। माहौल बेड़ा को हटाया तो उसके बदले में सीताराम डेरा दिया गया। उन दिनों की बात है, क्रिश्चियन आदिवासी मौलिक जितने भी मूलवासी सबको यहाँ दिया गया और उस ये में ये मैदान भी दिया गया और कुछ जमीन जो है वो DLC को दिया गया। तो DLC का कुछ जमीन में वो घर बनाया है, अभी तक कोई भी आए नहीं, उनके कर्मिक लोग अभी तक कोई नहीं आया। खंडर बन के टूटने वाला है, इससे हमारे बस्ती वासियों को भी नुकसान है। और ये जो मैदान है अब जबरन किसने बना रहा है, क्यों बना रहा है और बिना शिलापट देते हुए भी ये जो मैदान है ये बन रहा है, हम लोग को पता नहीं है। एक आज बात हुआ एक कॉन्ट्रैक्टर से, वो बोले कि मेरा काम चल रहा है, लेकिन ऑफिशियली हम लोग को कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया जिससे पता चले कि किसका काम हो रहा है। और पहले भी यहाँ पर दो बार ऐसे ही ग्राउंड छेकने का कोशिश किया गया, सारे बस्ती वासियाँ यहाँ सारे लोग बंगाली बिहारी आदिवासी सारे लोग अगल बगल में रहते हैं, उनके बच्चे सालों से सौ सालों से यहाँ खेलते हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ घूमते हैं। तो हम लोग इस ग्राउंड को, हमारा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, बच्चे लोग खेलने का ग्राउंड है, इसलिए हम लोग इसको बचाने के लिए सबको हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? और हमारा मांग है ये खेल का मैदान है, इसे खेल के मैदान ही रहने दिया जाए, नहीं तो जब हम लोग हमारा मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। क्योंकि जब हम अपने घर के सामने ग्राउंड को हम लोग बचाने नहीं सकेंगे तो हम लोग फिर आगे अपना हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग या ग्राउंड को कब्जा किया गया, किसी के द्वारा भी बनाया गया, तो हम लोग वोट का बहिष्कार करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार टोपनो है। और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी ARO कोषांगों के वरीय तथा प्रभारी पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। पोस्टल बैलेट होम वोटिंग को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 9 जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु प्रतिनियुक्त पोलिंग पार्टी पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल, होमगार्ड तथा जिले के पदाधिकारी व कर्मी एवं आवश्यक सेवाओं के मतदाता समेत होम वोटिंग के मतदाता के लिए 14 मई से पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा समाहरणालय सभागार में सभी ARO कोषांगों के वरीय तथा प्रभारी पदाधिकारी के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पोस्टल बैलेट सुविधा केंद्र के रूप में चिन्हित कोऑपरेटिव कॉलेज, SDO कार्यालय थालबूम, ITDA कार्यालय, पर्यटक सूचना केंद्र में मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता, होम वोटिंग पोलिंग पार्टी के लिए वाहनों की टैगिंग आदि की विस्तार से समीक्षा कर संबंधित AERO को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चुनाव ड्यूटी में तैनात पदाधिकारियों, कर्मियों, पुलिस कर्मियों सहित अन्य लोगों को पोस्टल बैलेट से मतदान कराने के लिए जिला मुख्यालय में अवस्थित जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, SDO कार्यालय धालबूम, पर्यटक सूचना केंद्र और ITDA कार्यालय को पोस्टल बैलेट सुविधा केंद्र एवं मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इधर KPS वर्मा माइंस में 10वीं और 12वीं के टॉपर बच्चों को सम्मानित किया गया। प्राचार्य ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर के वर्मा माइंस स्थित KPS में 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस अवसर पर मंगलवार को विद्यालय परिसर में प्राचार्य प्रियंका बोरा के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। ज्ञात हो कि 10वीं में प्रथम स्थान पर सिद्धि कुमारी को 95% अंक प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरे स्थान पर 94.80% अंक प्रतिज्ञा को मिला है, वहीं तीसरे स्थान पर शुभम कुमार को 93.80% अंक मिले हैं। 12वीं में विज्ञान में प्रथम स्थान पर कृष कुमार को 93% और वाणिज्य में प्रथम स्थान पर मेगा पांडे को 95% अंक प्राप्त हुए हैं। प्राचार्य ने बताया कि ये बच्चों की मेहनत और शिक्षकों की लगन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी विद्यालय इस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रचार प्रसार करता रहेगा, यही हमारी कामना रहेगी। मौके पर उपस्थित स्कूल के प्राचार्य प्रियंका बोरा, किरण पाल सिंह, संगमित्रा, नम्रता सुभाष व अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। स्कूल के तरफ से क्या स्कॉलरशिप बच्चों को दी जा रही है उसके बारे में बताइए। जो बच्चे स्कूल टॉपर हैं, जो फर्स्ट टॉपर होंगे एंड अगर वो स्कूल में ही एडमिशन लेते हैं स्टैंडर्ड 11 में, वो टॉपर को 100% वेव ऑफ ऑन द ट्यूशन फीस रहता है। जो सेकंड टॉपर है उनको 75% वेव ऑफ ऑन द ट्यूशन फीस
एंड जो थर्ड टॉपर है उनको 50% वेव ऑफ द ट्यूशन फीस है, और बाकी के अगर फोर्थ से टेंथ के अंदर में अगर बच्चे आते हैं जो स्कूल टॉपर होंगे उनको उनके लिए 25% वेव ऑफ ऑन द ट्यूशन फीस है। इधर विजयी संकल्प के साथ भाजपा ने जमशेदपुर लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हाईटेक प्रचार रथ को रवाना किया। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा, जमशेदपुर के दिल में है मोदी, प्रचंड विजयी के साथ तीसरी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। आसन्न लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इसके लिए अब पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। सोमवार को भाजपा ने जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार हेतु हाईटेक प्रचार रथ रवाना किया गया। सांची जुबली पार्क के समीप स्थित क्रिस्टल कावेरी अपार्टमेंट में बने प्रधान चुनावी कार्यालय से जमशेदपुर के सांसद सह भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ जमशेदपुर के 6 लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एवं सांसद विद्युत वरण महतो द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराएंगे और भाजपा के पक्ष में आशीर्वाद देने की अपील करेंगे। इधर आदित्यपुर स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में 100% विद्यार्थियों का रिजल्ट रहा। गायत्री शिक्षा निकेतन में मैट्रिक का 100% रिजल्ट रहा। कुल 230 विद्यार्थियों ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी, सभी के सभी उत्तीर्ण हुए। स्कूल खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों के प्रयास से ही इस तरह का रिजल्ट सामने आया है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा क्षेत्र में बन रहे संयुक्त श्रम कार्यालय निर्माण स्थल का विरोध बस्ती वासियों ने जताया है। इसे लेकर उन्होंने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। इन्होंने कहा कि वे विकास के बाधक नहीं है, लेकिन उक्त निर्माण स्थान के लिए जिस स्थान का चयन किया गया है वो वर्षों से सार्वजनिक रहा है। उक्त खाली मैदान में कई अनुष्ठान सम्पन्न होते हैं, बुजुर्ग से लेकर बच्चे मैदान का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए करते हैं। ऐसे में उस स्थान में निर्माण करना उचित नहीं है। इसे लेकर इन्होंने उप श्रमायुक्त को भी मांग पत्र सौंपा है। इस निर्माण कार्य को रोकने हेतु इनके द्वारा जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया है। सब हम लोग सबको ही मिलकर आज सीताराम डेरा जो हमारी बस्ती है, सीताराम डेरा बस्ती के बीच में कुआं मैदान जिसको बोला जाता है, DLC ऑफिस के बगल में, वहाँ पे एक्चुअली करीब 10 दिन से वहाँ पे ये JNSE की तरफ से, जैसे हमको पता चला है ठेकेदार के माध्यम से कि JNSE की तरफ से, माफ करिएगा, ये आपका DLC के तरफ से वहाँ पे एक भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो कि आपको बता दूं कि इतना बड़ा सीताराम डेरा में एकमात्र हमारा जो बच्चों का खेलने का और वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं, पूजा वगैरह सब, न्यू ईयर होते हैं, क्रिसमस मनाते हैं सब, तो वहाँ पे एकमात्र ग्राउंड है हमारे पास। यदि वहाँ पे भवन बन जाएगा, वो वहाँ पे हमसे छीन जाएगा, तो हम कहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे और बच्चों को कहाँ पे खेलकूद का वो कराएंगे। तो इसीलिए इससे पहले भी कुछ साल पहले वहाँ पे निर्माण कार्य चालू हुआ था, तो बस्ती वासियों ने मिलकर इसका विरोध किया था, DC महोदय को ज्ञापन दिया था, तो जिससे काम रुक गया था। तो आज कुछ बहुत साल बाद फिर उन्होंने ये कदम उठाया है, तो बस्ती वासी आज सीताराम डेरा के सब इकट्ठे हुए हैं कि DC महोदय को हम लोग एक ज्ञापन देंगे अभी, और वहाँ पे ज्ञापन देके इस काम को जल्द से जल्द रुकवाएंगे और जितना भी काम हुआ उसको बंद करवाने का काम करेंगे। और कल हमने सारे बस्ती वासियों ने जाके DLC साहब के वहाँ ऑफिस में भी एक ज्ञापन दिया है, और थाना में भी हमने एक खबर दे दी है कि हमारे यहाँ पे जो भवन पर निर्माण किया जा रहा है बस्ती के बीच में, वो हम होने नहीं देंगे, उसके लिए हमको बड़ा आंदोलन भी करना पड़े तो हम करेंगे। और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने EVM कमिश्निंग को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बोले, चुनाव आयोग का गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल का हो अक्षरांश अनुपालन। लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली EVM को मतदान के लिए तैयार करने का कार्य मंगलवार 14 मई से शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा सभी ARO EVM कोषांग के वरीय तथा प्रभारी पदाधिकारी के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक कर कमिश्निंग कार्य की तैयारियों की समीक्षा की गई। लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को मतदान होना है। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि EVM मशीनिंग कार्य में लगाए गए कर्मचारियों को ID कार्ड जारी होने चाहिए। कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने विधानसभावार EVM कमिश्निंग की तैयारी के संबंध में उप निर्वाचन पदाधिकारी से जानकारी प्राप्त की तथा कहा कि कमिश्निंग के दौरान आयोग की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से अनुपालन होना चाहिए और गोपनीयता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। TV सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला PN चौधरी में।
पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला, पीएन चौधरी झंडा चौक साक्षी बाजार जमशेदपुर। यहां पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में, कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में, बालिका वधु सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में, साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में, नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में, ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, पीएन चौधरी 2x6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, साक्षी, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438404। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना। पर वो टी? अरे चाय दो ना। ठीक है, कहीं से सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकाल कर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1-0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर आर रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। विजिट आवर रजिस्टर्ड ऑफिस, मदानी ट्रेड सेंटर, ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 7, आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आप
आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है, सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। भाजपा ने सांची पूर्वी एमजीएम मंडल में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। सांसद विद्युत प्रण महतो रहे मौजूद। बारेड़ी में जनसंपर्क अभियान के तहत सांसद विद्युत प्रण महतो ने भाजपा को समर्थन और आशीर्वाद देने की अपील की। जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत पूर्वी विधानसभा के साक्षी पूर्वी एवं जुगसलाई विधानसभा के एमजीएम मंडल के चुनावी कार्यालय का सांसद सह भाजपा प्रत्याशी विद्युत प्रण महतो ने शुभारंभ किया। मंडल स्तरीय कार्यालय खुल जाने से इन क्षेत्रों में चुनाव संबंधी जरूरी निर्देश का प्रसार व कार्य सफलतापूर्वक आसानी से संपादित किया जा सकेंगे। इस दौरान साक्षी पूर्वी मंडल अध्यक्ष ध्रुवा मिश्रा एवं एमजीएम मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह मुंडा समेत पार्टी के वरीय नेतागण मौजूद रहे। उद्घाटन के पश्चात सांसद विद्युत महतो ने कार्यकर्ताओं के संग चुनावी रणनीति पर चर्चा की। वहीं कार्यकर्ताओं ने फिर से मोदी सरकार बनाने का संकल्प लिया। सांसद विद्युत महतो ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून प्रकर्ष पर है। कार्यकर्ताओं के बल पर जमशेदपुर सीट पर भाजपा की जीत ऐतिहासिक होगी। सांसद विद्युत महतो ने बारेड़ी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया, लोगों से आशीर्वाद मांगा। और समाज सेविका हेमा घोष ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि लोको कॉलोनी में रेलवे के द्वारा संजीव गुहा के घर तोड़े जाने को लेकर इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। पिछले 2021 से केस चल रहा था, जिस वजह से रेलवे ने तोड़ा है। वही हेमा घोष ने कहा कि संजीव गुहा और उनके घर के अन्य सदस्य ने जानबूझकर बदनाम करना चाह रहे हैं। रेलवे की जमीन पर पिछले कई सालों से संजीव गुहा अवैध कब्जा कर झोपड़ी नुमा आवास बनाकर यहां टेंट का कारोबार करता था और रेलवे में अवैध कब्जा को लेकर पिछले 2021 से केस चल रहा था, जिस वजह से शनिवार को अवैध झोपड़ी नुमा आवास को तोड़ दिया गया। वहीं संजीव गुहा के द्वारा तरह तरह के गलत बयानबाजी किया जा रहा है। संजीव गुहा के घर नामो टोला में है। पिटीशन के दौरान रेलवे चकदरपुर न्यायालय से संपन्न हुई थी, उसके ऑर्डर के दौरान एविक्शन हुई है। तो लेकिन ये गुहा ब्रदर्स लोगों आरोप लगा रहा है कि ये झोपड़ी तोड़ाने का काम मैं की और काम करने का कारण है क्या, वो मेरे को पैसा उधारी दिया था। ये सुनने से हंसी लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई भी किसी को फालतू का बात बोल सकता है। मैं समाज सोशल मीडिया के माध्यम से सबको सूचना देने चाह रही हूँ, उसके साथ मेरा कोई पांच पैसा वाला उधारी वाला बात नहीं था, नहीं रहेगा भी भविष्य में। और दूसरी जो बात है, मैं समाज में यही कहना चाहूँगी आप लोगों के जरिए, गुहा ब्रदर्स का नामू टोला होलुदगोनी में साकारी पाड़ा में दो ताला एयर कंडीशनर घर है। वो लोगों यहाँ पर जो सिम क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा घर कहाँ पर है, जो एक यूट्यूबर के माध्यम से कि मेरा घर नहीं है, हम लोग रहेंगे कहाँ, ये जरासर गलत बात है। यहाँ पर सिर्फ बिजनेस के जरिया के लिए झोपड़ी तो यूज होता था और वो लोगों साकारी पाड़ा नामो टोला में ही रहता था। और एक बात, उनकी एक बहन रीता विश्वास उर्फ पुंटी, जो कुछ साल पहले बगल का झोपड़ी से निकल गई है, वो झोपड़ी खुद हाथ से टूटा के गई है। उसका एक भाई रेल में जॉब करता है, समीर गुहा, उनका बगल में क्वार्टर का बगल में था। किस कारण तोड़ के गया नहीं गया वो हमें पता नहीं, उस विषय में हम नाता रखे थे नहीं रखते हैं। और एक चीज, रेलवे को कोई चाय पी रहा या दारू पी रहा, गांजा पी रहा, उसके लिए डीएनए टेस्ट करवाने का रेलवे, माननीय रेलवे का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। रेलवे अपना काम करते हैं जिसे हम सम्मान करते हैं। इधर जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में सवेरे से ही समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 500 बच्चे एवं अभिभावक भाग ले रहे हैं। इसका फायदा उठाते हुए भाजपा के उम्मीदवार विद्युत वर्ण महतो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मॉर्निंग वॉकिंग में मैदान पहुंचे और सभी लोगों से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री के विकास के 10 सालों का लेखा जोखा
पर्चा के रूप में दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत किए हैं, वह 11 पायदान से नीचे आकर 5वें पायदान में पहुंचा दिए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 1 से 3 पायदान के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि 2027 तक सभी जरूरतमंद लोगों के आवास को पक्का कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में चौतरफा विकास किया है, हर क्षेत्र में हमारे देश आगे बढ़ा और मजबूत बना है। उन्होंने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान करें, अपना वोट अवश्य देश के विकास के लिए दे। पिछले 10 साल में उन्हें रिकॉर्ड मार्क जो उन्होंने देश की सेवा की, चाहे कोरोना काल हो ऐसे हो, चौतरफा विकास उन्होंने करने का काम किया आम जनता के लिए। आगे भी 5 साल गारंटी के साथ उन्होंने आश्वस्त किया, जिस तरह अर्थव्यवस्था को हम लोग देश में 11वें से 5वें नंबर ले आए, तो इसी साल अंतिम अक्टूबर नवंबर तक इसको 1-2-3 कहीं भी इसका नंबर आएगा। जब अर्थव्यवस्था बेहतर होगा, स्वाभाविक देश में विकास की गति और तेज होगा, समाज में कोई गरीब गुरबा किसी तरह कोई भूखे न रहे, इसलिए आज जो 5 किलो राशन उन्होंने देना किया प्रधानमंत्री अन्न योजना से। उधर बैसाख संक्रांति के अवसर पर दलमा बूढ़ा बाबा बजरंग दल समिति ने शहर बेड़ा दलमा मुख्य प्रवेश द्वार पर आते जाते राहगीरों के लिए पेयजल, चना, खीर की वितरण किया गया। वहीं मंगलवार को बैशाख संक्रांति के पावन अवसर पर कई स्थानों पर पेयजल सेवा दी गई। इस अवसर पर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के शहर बेरा दलमा चौक पर लोगों के बीच खीर, शरबत और चना का वितरण किया गया। वहीं दलमा बूढ़ा बाबा समिति के अध्यक्ष सुभाष महतो ने बताया कि दलमा चौक पर बैशाख माह से पहले पंचशाला में राहगीरों के लिए जल सेवा लगातार रहेगा, लेकिन चना सेवा का समापन किया गया। शहर बेरा मोड़ पर आयोजित चना, खीर, शरबत वितरण की योजना किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने ग्रहण किया। इस अवसर पर सुभाष महतो, सूरज कुमार, त्रिलोचन महतो, धनंजय महतो, जितेंद्र महतो, दिनेश महतो, सुरेश प्रमाणिक, रूहीदास महतो आदि मौजूद थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आजाद नगर थाना अंतर्गत वारिस कॉलोनी में एक युवती ने घर पर फंदे से लटक कर की खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी। पानी की आपूर्ति बाधित होने से स्थानीय लोगों ने जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। न्यू सीताराम डेरा क्षेत्र के सार्वजनिक मैदान पर भवन निर्माण के लिए गड्ढे खोदे जाने से स्थानियों ने विरोध करते हुए कहा, मैदान नहीं तो वोट नहीं देंगे। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।